श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों अज लुधियाना विखे पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सिख संगत वालों बड़ी गिणती में शमूलियत करके हलीमी राज की स्थापति लई अगाऊ संघर्ष का होका दिता। इस मौके सरदार सिमरजीत सिंह मान ने अपने संबोधन में बोलदिया आख्या कि सिख कौम के सारे मसलों का इको एक हल खालिस्तान है। सरदार मान ने कहा कि देश की सत्ता ते काबज सिख विरोधी ताकतों की हुकूमत सदका सिखा 1984 की नसलकुशी का सिख कौम को हाले तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया। सरदार मान ने कट्टरपंथियों वालों घट गिणतियों धक्के हिंदू बनाए जाने के मुद्दे को भी घट गिणतियों धक्का दसिया। अज जी सियासत साडे भारत की है ये बहुत खतरे वाला समाज आया हुआ है। जिवें इस्लामिक राज दे विच इस्लामिक कट्टरवाद तां आ गई सी, अज भारत दे विच हिंदू कट्टरवाद तां जिहड़ी आ चुकी है। ये कौमियत दी कौर दे उत्ते बहुत भारी खतरा घट गिणतियां नूं है। मुसलमान ईसाई नूं अज जबरन हिंदू बनाया जा रहा है, जिहड़ा कि कानून के बिल्कुल खिलाफ है और मनुखता के भी खिलाफ है। सिख कौम के मजहब के उत्ते जिन्ने भी डेरादार हैगे है, सरसे वाला साहब, भंडियारा, आशुतोष, निरंकारी, इस हिंदूवाद हवा दे रही है। इस मौके उन्हां तक श्री दमदमा साहब जी के जथेदार सरदार बलवंत सिंह नंदगढ़ नूं जबरी हटाए जाने संबंधी बोलदिया कहा कि अजिहा पंजाब की सत्ता ते काबज बादल सरकार ते भारतीय जनता पार्टी विचाले समझौते तहत होया है। ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ जिसने हफ्ते के अंदर अंदर ये ड्रग्स का केस का चलान अदालत विच पेश करना है। और उसके बदले बादल होना ने जथेदार आनंदगढ़ नूं बर्खास्त करता है, क्यों करके बीजेपी ते आरएसएस ते संत समाज जिहड़ी बीजेपी ते आरएसएस नाल लड़की है ये आनंदगढ़ साहब नूं बर्दाश्त नहीं सी करते, क्यों करके उन्होंने कहा सीगा कि असी जिहड़ा कैलेंडर है ननकशाही यही लागू करांगे ते बिक्रमी कैलेंडर नहीं लागू करांगे। इस मौके पार्टी के सीनियर मीत प्रधान सरदार ध्यान सिंह मंड ने कहा जे कोई सच की गल करता आ देख लो आनंदगढ़ दी बलवंत सिंह दी गल करो साथ संगत उन्हें की किया उन्हें सच बोले है। असि मुबारक देने सारिया कौमां दे अपने कैलेंडर ने सानू कोई इतराज नहीं पर जे सिख कौम का कैलेंडर किसी सिख बुद्धिजीवी ने तैयार किया अकाल तख्त साहब तो वह श्रोमणी कमेटी के जनरल इजलास के विच पास होया होवे ते ओह घट्टो घट्ट 9 साल लागू रहा होवे पर अज उस कैलेंडर नूं बदलन वास्ते जे बिक्रमी कैलेंडर की गल की जे बलवंत सिंह नंदगढ़ ने आवाज उठाई कि मैं कैलेंडर का कतल नहीं होन देना। अज गल चलती है 25 धारा की कि 25 धारा दे विच सानू हिंदू बनाया गया पर असी एक वक्री कौम हाँ। सो सार संगत अज जे इस कैलेंडर की गल चलती है अज जे जथेदार स्टैंड लेंदा पर अज साडी पंथ
ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀ ਸੀ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਨਰਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੈਰੇਦਾਰ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।